आपको बहुत बहुत बधाई आपकी सफलता पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मेंस में रह गई थी हाफ मार्क्स से। ओके, थोड़ा सा बताओ आप अपने बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से हो, क्या किया है आपने ग्रेजुएशन में? सर मैं फिलहाल एमएससी कर रही हूँ सर, बॉटनी से। अच्छा। मेरा सेकंड ईयर है। ओके ओके। और सर मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, रोहतक से। ओके। रोहतक में गांव है छेड़ी गांव। ओके। वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और सर इस बार मैंने बहुत मेहनत की थी और आपसे ही पढ़ी है सर इंग्लिश। ओके। और आपकी मैं बैंकिंग स्पेशल 09 बैच की स्टूडेंट थी। अच्छा। और उससे बहुत हेल्प मिली। बहुत खुशी है ये जान के। आपका जो पढ़ाने का तरीका है सर वो मतलब मुझे बहुत ही औसम लगा था, तो ओके मैं आपसे पढ़ी थी। कैसे पता लगा था करियर? मेरा बहुत मन था आपसे बात करने का। ओके ओके। सर उस टाइम मेरे पापा की ड्यूटी थी सर सिरसा। अच्छा। मेरे पापा अकाउंट्स ऑफिसर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। okay. तो मेरे पापा की ड्यूटी थी सिरसा, तो वहाँ पर बहुत थोड़ा पढ़ाई का माहौल था। जो पहले से ही एम्प्लॉयड हैं वो तैयारी करते हैं यूपीएससी वगैरह की। okay. तो उन्होंने रिकमेंड किया था मेरे पापा को कि आप इस ऐप से तैयारी करवाओ, तो मेरे पापा ये ऐप लेकर आए थे। okay. और उसपे मैंने सबसे पहला बैच है वो राकेश यादव सर का लिया था। अच्छा। मैथ्स का बैच। okay. और सर उस मैथ्स की बैच का भी इतना फायदा हुआ सर, फिलहाल जो मेरा सीजीएल का जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरे मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90 है आंसर की में जो बन रहे हैं। okay. और सर जो CHSL है उनके प्री में 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। और फिर सर मैंने आपका बैंकिंग स्पेशल लिया बैच। मैथ्स से डर लगता था? तैयारी की सर, मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी तो बस मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स में स्टार्टिंग से, इसीलिए मैंने सोचा कि आप बॉटनी से एमएससी कर रहे हो तो शायद थोड़ा सा बचपन में मैथ्स से थोड़ा सा रहा हो। स्टार्टिंग में लगता था सर, स्टार्टिंग में लगता था सर, फिर वो बैच लेने के बाद फिर निकल गया डर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं आराम से। चलो फिर सर जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं उनका बैकग्राउंड ही मैथ्स का है, लेकिन मेरे मैथ्स में उनसे ज्यादा नंबर आते हैं। तो यही बात मैं क्लासेस में भी बोलता हूँ कि एप्टीट्यूड का एग्जाम सभी के लिए सेम है। एक खास अप्रोच की आपको जरूरत होती है और बेसिक्स के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर रिजल्ट आना ही आना है। कई बार वो मैथ्स वाले या उस बैकग्राउंड वाले लोग या जैसे इंग्लिश को लेकर के प्रोफेशनल कोर्सेज वाले कई बार ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमसे तो हो ही जाएगा, बट उसमें कई बार गड़बड़ होती है। तो इंग्लिश का कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? इंग्लिश का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। आपका जो टीचिंग का वे है वो देखकर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई ऐसे भी पढ़ा सकता है। अच्छा। बिल्कुल। मतलब आप पढ़ाने के साथ साथ सर जो मॉरल स्किल्स हो गई या फिर एटिकेट्स और मैनर्स के बारे में बताते हो, तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा है सर। बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को ऑफिसर बनना है और जो हम कहते हैं OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। चलो इंटरव्यू कैसा गया था आपका? इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था सर। और अच्छा। मेरे 85 मार्क्स है इंटरव्यू। क्या बात है, क्या बात है। उसमें क्या हेल्प मिली थी? मेरा कोई सेशन क्लासेस में तो मैं बात करता हूँ वैसे। ये सर आप क्लासेस में ही बात कर लेते हो सर, अलग से जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। बिल्कुल। तो कितने देर चला था इंटरव्यू? जी सर इंटरव्यू सर मेरा 15 मिनट के आसपास चला था। ओके। क्या कुछ पूछा था उसमें? ये सर उन्होंने से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक प्राइवेटाइजेशन के बारे में पूछा था कि बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए या नहीं। तो सर मैंने आंसर्स मतलब बिना बायस्ड हुए आंसर दिया था और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया था। और उस पर उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि आपका आंसर बहुत अच्छा लगा। और सर इसके अलावा मेरे नाम पर क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, फैमिली बैकग्राउंड से पूछे थे, कुछ स्कीम्स पूछी थी। और सर जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वाली योजना थी, सुकन्या समृद्धि स्कीम, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे सर कि बजट में गया उसमें बैंकिंग के लिए क्या क्या है, और जो बचत पत्र है महिला बचत पत्र आया है उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा सर चंडीगढ़ हुआ था PNB केयर ऑफिस में। और काफी अच्छा गया था सर ओवरऑल। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे सर उन्होंने। मतलब सर एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा स्ट्रेसफुल था इंटरव्यू, क्योंकि एक अगर पैनल मेंबर क्वेश्चन पूछता है वो खत्म नहीं हो रहा और तभी दूसरे पैनल मेंबर भी पूछ रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ था 2 पैनल मेंबर्स ने एक साथ क्वेश्चन पूछे। ओके। वो आपको पहले से ही ट्रेन करना है, बिकॉज बैंक्स में यही होने वाला है। वहाँ प्रेशर बहुत होता है काम का, पीओ के तौर पे, तो वो इस तरह का सिचुएशन सिमुलेट कर रहे होंगे, बट बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया तभी इतने मार्क्स आए हैं और ये फाइनल रिजल्ट आया है। यस सर, चलो बहुत खुशी हुई। सर मैं मेरे जो पैनल्स में कनेक्टेड हूँ सर, मैं जो पैनल में जो स्टूडेंट्स थे उस टाइम, तो मेरे शायद हाईएस्ट मार्क्स है उस पैनल में। ओके ओके ओके, काफी अच्छा गया था सर। अगर कभी हम कुछ इवेंट करते हैं ऑफलाइन तो आपको जरूर हम बुलाएंगे, इन्वाइट करेंगे, बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स को इंटरव्यू को लेकर के होते हैं सवाल। क्लास में तो मैं सारी बातें बता भी देता हूँ वैसे कि भाई जब बजट आया तो मैंने कहा बजट जरूर देख लेना और स्कीम्स के बारे में पता हो, बिकॉज सिर्फ ये कह देना कि नहीं गवर्नमेंट जॉब है और सिक्योरिटी है इसलिए मैं बैंकिंग में आना चाहता हूँ, इस पे काम कभी नहीं बनता। आपको ये दिखाना पड़ता है अपने जवाब से कि यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दिस एरिया एंड आपको चीजों का पता है, तो वो चीजें आपने करी और उसी का ये परिणाम है। तो बहुत खुशी हुई गरिमा आपसे बात करके। बाकी एग्जाम्स भी हुए हैं सर क्लियर। अच्छा। जैसे CHSL 2021 उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरी हो चुकी है। ओके। बस पोस्ट मिलना बाकी है। कितने एग्जाम टोटल क्लियर किए? पता नहीं सर, पर जो मेरी पसंद का था वो तो यही था। अच्छा, वैसे नंबर्स कितने हो गए टोटल, कितने एग्जाम्स क्लियर किए आपने करियर विंग से जुड़ने के बाद? ये सारे करियर वेल से जुड़ने की बात है सर, क्योंकि मैं अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही करियर वेल से जुड़ गई थी। ओके। और फिर उसके बाद एग्जाम्स देने शुरू किए हैं और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से क्लियर होने लगे थे एग्जाम्स। अगर मेंस नहीं होते थे तो प्री तो पक्का हो जाते थे। ओके, चलो बहुत खुशी हुई कि ये आपकी डेडिकेशन का रिजल्ट है, आपकी सिंसियरिटी का रिजल्ट है कि सही समय पे सही डिसीजन आपने लिया। और पूरे परिवार को भी बधाई मेरी तरफ से, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और जब मौका मिलेगा तो हम यहाँ पे भी ऑफलाइन मुलाकात करेंगे कि कुछ इनपुट्स आप और दे पाओ एस्पिरेंट्स को। वैसे क्या कहना चाहते हो, अगर मैं कुछ फाइनल वर्ड्स आपको बोलूं जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या करना? सर मेरी मेंस में भी काफी अच्छे मार्क्स आए थे सर, रीजनिंग की वजह से और सर इंग्लिश की वजह से। इंग्लिश में भी मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे मेंस में। मेरी 16 मार्क्स की लीड थी मेंस में। अच्छा, इसलिए मुझे अपनी प्रेफरेंस का रैंक मिल गया। क्या बात है, जब 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 आप मेहनत करते हो। ओके ओके ओके, सो बाकी सब्जेक्ट रीजनिंग का कैसा रहा एक्सपीरियंस? रीजनिंग का सब्जेक्ट थोड़ा सा नया रहा हो बैंकिंग की प्रिपरेशन। अनुकूल सर थे सर उस बैच में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अनुकूल सर सर मैथ्स के लिए। हाँ ये सर, चलो और करंट अफेयर्स को लेकर के क्या कहना चाहोगे आप? राशिद सर से क्लासेस ली थी सर और करियर वेल की पीडीएफ फॉलो की थी। ओके। क्योंकि वो फ्री बैच है सर सबके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल, चलिए गरिमा फिर से। इसके अलावा सर मैं जी सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। ओहो क्या बात है। और सर लेकिन सर एक दिक्कत है, अगर मैं MSc की पेपर नहीं दे पाती हूँ तो मेरा MSc का गोल्ड मेडल रह जाएगा। अच्छा, उसका थोड़ा दुख होगा सर। तो पेपर नहीं दे पाओगे? नहीं सर, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेनिंग चल रही होगी। ओह, क्या कर सकते हैं इसमें? और पैनल मेंबर्स ने ये बोला था कि अगर हम आपको सेलेक्ट करते हैं तो आपकी MSc कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एंड सर अब तक मैं हाईएस्ट स्कोरर हूँ, पर अगर मैं नेक्स्ट ईयर पेपर देती हूँ तो मेरा वो गोल्ड मेडल रह जाएगा MSc वाला। चलो कोई नहीं, जिंदगी में ये सब चलता रहता है, कुछ मिलता है तो कुछ खोता है। बट सर ये जो मिला है ये उससे अच्छा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत खुशी हुई गरिमा आपसे बात करके। और मुझे लगता है कि जब मौका मिलेगा तो हम जरूर यहाँ पे ऑफलाइन भी मुलाकात करेंगे। ठीक है जी सर, चलिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू।